अडानी कोई नाम नहीं बल्कि भारत की शान है, क्योंकि जिस गौतम अडानी पर कांग्रेसियर भारत विरोधी हमले कर रहे हैं और लगातार गालियां दे रहे हैं और देश को लूटने के आरोप लगा रहे हैं, तो आज उसी अडानी ने एशिया में एक नया इतिहास लिख दिया है, जिसके सामने चाइना जैसा भारत का ताकतवर दुश्मन भी काफी पीछे रह गया है। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर गौतम अडानी जी ने करा क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को भारत के लोगों की सच्चाई दिखाते हैं। दरअसल आज से कुछ महीने पहले गौतम अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर इंसान थे, जो जेफ बेजोस और एलन मस्क को टक्कर देते थे, लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी नंबर 3 तो छोड़ो कुछ ही घंटों में टॉप 25 से भी बाहर हो गए। और गौतम अडानी की वेल्थ के क्रैश होते ही भारत की इकोनॉमी पर तो फर्क पड़ा ही था, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि भारत के देशद्रोही लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब इसी अडानी ने डिफेंस के क्षेत्र में भारत को चाइना जैसे देशों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि गौतम अडानी ने भारत को एक डिफेंस हब बनाने के लिए साउथ एशिया के सबसे बड़े मिसाइल एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स को अनवेल्स किया है और ये कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के कानपुर में खोला गया है और इस कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और ये प्रोजेक्ट तकरीबन 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 4,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, क्योंकि इस प्लांट के अंदर हाईटेक गोला बारूद और मिसाइलों को बनाया जाएगा, जिससे भारत को डिफेंस के क्षेत्र में एक नया स्वदेशी बूस्ट मिलेगा। क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी ये बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश भारत के डिफेंस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी के अंदर एक डिफेंस कॉरिडोर को बनाने की तैयारी हो रही है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है और भारत को डिफेंस के क्षेत्र में भी लगातार ताकतवर बना रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।